धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के बीचों बीच निकलने वाले स्टेट हाईवे पर दुकानदारों ने जाम लगा दिया। दुकानदारों का कहना था कि इस सड़क को पिछले कई महीनों से फाड़ कर अधूरा छोड़ रखा है और इसे पूरा नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर सभी दुकानदार व स्थानीय लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया। जाम के दौरान दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना पाते ही थर्ड गेट पुलिस चौकी के प्रभारी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे और लगातार इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुकानदार भाई अपना काम छोड़ के इन मरीजों को आगे को जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने काम पर लगे हैं और काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। यहाँ पे बार बार यहाँ प्रशासन की नजरों में दे दे के भी हम दुखी हो चुके हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा, अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा। धूल सुबह से लेकर शाम तक धूल धूल उड़ रही है, दुकानों का बिल्कुल काम ठप हो चुका है यहाँ पे। तो ये मेन रोड है जो कुरुक्षेत्र से क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी है जी, अब रीढ़ की हड्डी ही खत्म हो चुकी है, बाकी तो बाकी शहर क्या होगा। ये कुरुक्षेत्र को जोड़ने वाली कैथल करनाल कुरुक्षेत्र जो रीढ़ की हड्डी है जी। आप तो बीजेपी सरकार भी बन चुकी है, यहाँ के विधायक भी बन चुकी है, क्या कभी विधायक आए? मैं भी जा चुके हैं, विधायक भी खुद यहाँ पीछे से जीतने के बाद फट से पीछे हट गया। देखिए अभी बिरला मंदिर चौक वाले हमारे पूछेंगे ये काम क्यों नहीं हो रहा जी, वो यहाँ भी आ नहीं रहा बार बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त पंचाल है जी। सड़क जो अधूरी है जी, ठेकेदार हमारा काम कल बंद करके चला गया था, उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है हमारे हेड ऑफिस से होनी है। हमने उसका पत्राचार जिसका मैं साथ में सबूत भी लेके आया हूँ, हमने 11 तारीख को यहाँ से उच्च अधिकारियों को भेज दिया था, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है फाइल पे। तो हमारे EIC जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने हेड ऑफिस में इसका फैसला करना है, उम्मीद है कि वो टर्मिनेट कर देंगे और नया टेंडर। सर ये दुकानदारों में भी बड़ा रोष है, जाम लगाया हुआ, क्या कहेंगे आप उनको? समझाने के लिए प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, उनको पूरा समझाने का हमने करिए। आप उम्मीद है कि जाम खुल जाएगा। सर आप अंतर्राष्ट्रीय गीत है जयंती भी 23 तारीख को है, तो उसके लिए सड़क ऐसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? उससे पहले तो इतनी जल्दी कार्रवाई होना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें समय इतना नहीं बचा है। इसको हम पानी डलवा कर धूल मिट्टी वगैरह ताकि ना उड़े, वो हम अपने लेवल पे जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। सर आपका परिचय? अरुण भाटिया, एक्सीडेंट PWP। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।